गोवा प्रदेश भाजपा जेजेपा सरकार की योजना बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले को प्राथमिकता से लेते हुए डीएवी कॉलेज पिहोवा में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री हरियाणा सरकार संदीप सिंह ने किया। शिक्षा फाउंडेशन डीएवी कॉलेज प्लेसमेंट विभाग जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जॉब प्लेसमेंट के लिए आपके पास आ रहे हैं, इसको जॉब प्लेसमेंट कहते हैं। सो ये अगर आप देखें दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में होता है, वहां पर कई बड़ी कंपनीज आती हैं और वो इंटरव्यूज लेके जाती हैं। तो आपको लोगों को मेरी एक ही सजेशन है कि प्लीज जो आप हैं वही दिखाएं, क्योंकि आप जब ओवर एक्ट करते हैं तो सामने वाले को दिख जाता है, बिकॉज जो आपकी एज है उससे कहीं ज्यादा बड़ी एज उनकी होती है जो इंटरव्यू लेने आते हैं। और मैं ऐसा एजुकेशन सेंटर बनाऊं, मैं आज भी अभी अंदर हमारी मीटिंग चल रही थी उसमें बता रहा था, वो एजुकेशन सेंटर जिसमें एक रूफ के मतलब एक छत के अंदर कई ऐसी चीजें बनाऊं जिसमें स्पोर्ट्स, एजुकेशन, म्यूजिक, एक्टिंग, मेडिकल लाइन और ऐसी कई चीजें लेकर आऊं जिससे कि बच्चा एक ही छत के नीचे कई कुछ सीख के जाए और वो प्रैक्टिकल सीखे, उसमें ये किताबें की जरूरत ना पड़े। मुझे लगता है कई ऐसे स्टूडेंट होंगे वो कहते हैं अभी क्यों नहीं बन रहा हूं, हार नहीं माननी है। ये मेरी एक और आपको सजेशन है, बीइंग मैं भी आप इसी तरह यंग हूं, सो कभी हार नहीं माननी है। अगर आप जैसे भी बता रहे थे कि एक जगह आपको लगता है कि हम यहाँ पर नहीं सक्सेस हो सकते, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। निजी औद्योगिक कंपनियों ने कंपनियों के प्रतिनिधि, अकाउंट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, मैकेनिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इंग्लिश ट्रेनर आदि क्षेत्रों में आवेदकों की स्किल व इंटरव्यू के जरिए मौके पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया। जैसे यहाँ लगाया जा रहा है इस प्रकार के हमने और भी रोजगार मेले लगाए हैं। यहाँ पर मेन मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे होते हैं पढ़े लिखे, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो उनको काम के लिए उनको पैरों पे खड़ा करना होता है। तो ये यहाँ पर हमने डिफरेंट कंपनीज बुला रखी हैं, इन बच्चों का इंटरव्यू लेती है, जो जिसके सूटेबल होता है वो उस कंपनी उसको आगे अपना अपॉइंटमेंट लेटर देके अपनी कंपनी में बुला लेती है। और हम हमारे ऐसे बहुत से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो बच्चे दरस थे हम उनको बुला लेते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसा काम कर भी रहे हैं, हम उनकी फीडबैक भी लेते हैं कि पहले रोजगार मेले में हमने कितने बच्चे भेजे थे, वो वास्तव में काम कर रहे हैं या ऐसे ही मतलब हमसे फर्जी लेके जा रहे हैं। आज भी हमने ये सबसे पहले ये पूछा कि हमारे जो बच्चे थे वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आगे भी इस तरह के बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रयास करते रहेंगे और इस तरह के रोजगार मेले लगाते रहेंगे।